महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में स्थित बुट्टी बोरी भारत का एक औद्योगिक उपनगर है और इसे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC द्वारा 5 सितारा औद्योगिक जिले के रूप में विकसित किया गया है। राष्ट्रीय महामार्ग 44 जो भारत के उत्तर और दक्षिणी राज्यों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है। नागपुर को वर्धा और चंद्रपुर से जोड़ने वाला राजमार्ग और बुट्टी बोरी टी जंक्शन पर MIDC औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला भारी ट्रैफिक राजमार्ग ट्रैफिक के साथ मिलता है। इससे ग्रेट जंक्शन पर भारी ट्रैफिक जमा होता है, इसलिए यहाँ एक ग्रेड सेपरेटर की नितांत आवश्यकता थी। लोगों की समस्या का उचित समाधान करने और क्षेत्र के विकास में इजाफा करने यहाँ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के कर कमलों द्वारा सन 2018 में बुट्टी बोरी फ्लाईओवर की नींव रखी गई। गडकरी जी के ही उपस्थिति में आज इस फ्लाईओवर का काम पूर्ण होकर ये राष्ट्र के प्रति समर्पण होने जा रहा है। इस फ्लाईओवर परियोजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। फ्लाईओवर से 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गाड़ियों की आवाजाही हो सकती है। फ्लाईओवर की लंबाई 1.69 किलोमीटर है। इसका लागत मूल्य 69.27 करोड़ रुपए है। फ्लाईओवर 6 लेन से युक्त है। पुल पर मुख्य सड़क की चौड़ाई 24 मीटर है। इसमें कुल मिलाकर 11 स्पैन हैं। 3×30 जोड़ 1×45 जोड़ 7×30 बराबर 345 मीटर। इसके निर्माण में ओपन फाउंडेशन का इस्तेमाल किया गया है और सुपरस्ट्रक्चर कास्ट इनटू बॉक्स गर्ड है। फुटपाथ का प्रकार 15 साल के डिजाइन जीवन के साथ लचीला प्रकार। स्लिप या सर्विस रोड 2 तरफा मौजूद है, जिसकी लंबाई 1.69 किलोमीटर और चौड़ाई 7.5 मीटर है। सर्विस रोड के दोनों किनारे RCC नाली और फुटपाथ बने हुए हैं। इस फ्लाईओवर के निर्माण से मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं। बुट्टी बोरी टी जंक्शन पर ट्रैफिक जैम से राहत मिलेगी, जिससे यात्रियों का कीमती समय बचेगा। पुल के निचले क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किए जाने से राजमार्ग के किनारे हरियाली को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद होगी। इससे पुल के निचले हिस्से में अवैध पार्किंग से भी छुटकारा मिल जाएगा। पूरे देश में और नागपुर तथा वर्धा जिलों में ऐसी अनेक परियोजनाएं आकार ले रही हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की जनता के उत्थान के प्रति समर्पित कटिबद्धता निश्चित रूप से देश को नई दिशा देकर एक सशक्त, समृद्ध और संपन्न भारत के हमारे लक्ष्य को साकार करेगी।